आज भारतीय मानवाधिकार संगठन ने कटरा वजीर खां कुबेरपुर में महासदस्यता अभियान जन जागरूकता अभियान एवं संकल्प पत्रिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का जोश देखते बन रहा था, हाथों में संकल्प पत्रिका को लेके संगठन के प्रति अपना विश्वास दिखाया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र सेनानी श्री सूबेदार मेजर एमएल उपाध्याय एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती कमलेश शर्मा जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कोहली, कुमार पुष्कर, कुमार सुंदरम, साहिल अग्रवाल, संजय धुत, रवि सिंह भदौरिया, संजय जायसवाल, मुकेश जी आदि उपस्थित रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। और लाल का मतलब होता है एक अलर्ट। अलर्ट यानी कि ये वो संगठन है जिस संगठन के अंदर आदमी आता है, जुड़ता है, हमारे संग कार्य करता है और हम सिर्फ जनता के अधिकारों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। किसी भी हम लोग एक जो जैसे भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी हुई, जब वो आपके बीच में आती है तब उनके पास अनेक मुद्दे रहते हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। सपा आती है तो वो पार्टियों को किस प्रकार हम लोगों ने तोड़ना है उसके मुद्दे होते हैं। पर जब भारतीय मानवाधिकार संगठन जब हम लोग गली मोहल्लों में जाके काम करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, मानव के अधिकार की रक्षा हेतु काम करना। अब उस जब मानव के अधिकार की रक्षा हेतु काम हम लोग करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने जो खड़ा है वो शख्स वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है या ईसाई है, वो जाट है या जाटव है, हम लोग ये सब नहीं देखते हैं। क्योंकि मानव अधिकार काम करता है स्वतंत्र मंच के लिए, स्वतंत्र धर्म के लिए, जात पात धर्म मजहब और ऊंच नीच की राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं। भारतीय मानव अधिकार संगठन ने 10 साल के इतिहास के अंदर हम अभी तक पूरे भारत देश के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों को अपने संगठन में जोड़ चुके हैं जो